गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास सेकंड को क्वेश्चन आंसर कराएंगे सेकंड चैप्टर का। हमने कल आपको सेकंड चैप्टर की स्टोरी बताई थी। चैप्टर का नाम था द क्लेवर फॉक्स, यानी कि एक चलाक लोमड़ी। तो स्टोरी ये थी, थोड़ी सी स्टोरी हम आपको बता देते हैं। तो स्टोरी में ये बताया था कि दो दोस्त थे, क्रोकोडाइल एंड क्रैब, यानी कि केकड़ा और मगरमच्छ दो फ्रेंड्स थे। वो एक झरने के किनारे रहते थे, वहाँ पे कुछ ढेर सारी मछलियाँ थी, तो वो मछलियों को खा करके अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ, मछलियाँ कम होने लगी। जब मछलियाँ कम होने लगी तो दोनों ने सोचा कि अगर इस तरीके से मछलियाँ कम हो जाएगी तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। फिर उन्होंने एक दिमाग में मतलब आइडिया लगाया, सोचा। तो मगरमच्छ ने कहा कि ऐसा है, मैं मरने की एक्टिंग करता हूँ, तुम सारे जंगल में ये फैला दो कि मैं मर गया हूँ। ये सुन करके लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए आएंगे, और जब पानी पीने के लिए आएंगे तो हम लोग एक एक जानवर को मार करके अपना भोजन बना लेंगे, खा लेंगे उनको। तो ये केकड़ा जो है ये चीज़ कहने के लिए जंगल में गया, और वहाँ पे जाकर के लोगों को कहने लगा, सॉरी जानवरों को ये कहने लगा कि जो झरने में मगरमच्छ था वो मर गया है, अब आप लोग आकर के यहाँ पे पानी पी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये खबर उसने एक लोमड़ी को बताई। तो लोमड़ी थी बहुत ही चलाक, उसने अपना दिमाग लगाया और वो वहाँ पे गई। उसने बोला कि चलो पहले तो मैं चल करके देखूँगा, अगर मर गया होगा मगरमच्छ तभी पता चलेगा, तो देखने में पता चलेगा। जब उसने मगरमच्छ को देखा तो उसने कहा कि हमने सुना है कि जो मगरमच्छ मर जाते हैं तो उनकी पूँछ हिलती रहती है। तो इसने बोला कि अच्छा, तो ये सुन करके जो मगरमच्छ है तो वो अपना पूँछ हिलाना शुरू कर दिया। जब वो पूँछ हिलाना शुरू कर दिया तब वो चला फोड़ने ने कहा कि अरे ये तो मगरमच्छ जिंदा है, कभी भी कोई भी जानवर मर जाता है तो वो ना तो घूम सकता है ना तो उसकी पूँछ हिल सकती है, यानी कि ये नाटक कर रहा है। इतना कह करके वो जंगल जाता है, वहाँ पे सारे जानवरों को बताता है कि मगरमच्छ जिंदा है, वो खाली नाटक कर रहा है। और उसके बाद वो दोनों अपना उसी जगह पे रहते हैं, जब तक मछली रहती तब तक खाते हैं, और उसके बाद जब मछलियाँ ख़त्म हो जाती तो वो दोनों मर जाते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी हम लोग को दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, और दूसरा किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। पहले उन सब चीज़ों के बारे में पहले पता कर लेना चाहिए कि हाँ कोई इंसान जो बोल रहा है वो सही है या गलत है, पहले ही अपने आप निर्णय किसी के कहने पर नहीं चलना चाहिए। तो कल हमने आपको वर्मिनी करा दी थी, आज हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आंसर इन वन वर्ड करवाएंगे। आंसर इन वन वर्ड में पहला है वेयर, यानी कि मगरमच्छ और केकड़ा कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे आएगा ले। दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज क्लेवर, कौन चला था, तो आंसर आएगा आपका फॉक्स, लोमड़ी बहुत चला। तीसरा क्वेश्चन है आपका हु प्रिटेंड टू बी डेड, मरने की एक्टिंग कौन कर रहा था, क्रोकोडाइल। तो यहां पे आएगा चौथा है वॉट डज द प्रोपो
love to eat, यानी कि मगरमच्छ और केकड़ा को खाने में क्या पसंद था? तो आंसर आपका आएगा fish. ये आपका फिनिश हो गया है. अब आपको हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे. शॉर्ट क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, हु वर द टू फ्रेंड्स. कौन दो दोस्त थे? तो इसका आंसर है क्रोकोडाइल एंड क्रैब वर द टू फ्रेंड्स. यानी कि मगरमच्छ और केकड़ा दो दोस्त थे. क्वेश्चन नंबर टू, वेयर the lake located, यानी कि वो झरना कहां पे था? आंसर नंबर टू, the lake was in the middle of a thick forest. इसका मतलब जो लेक था, झरना था, वो जंगल के घने जंगलों के बीचों बीच में था. अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वर द टू फ्रेंड्स वरीड. The number of fish in the lake became too decreases. The number of fish in the lake begin to decreases. वो इसलिए चिंता में थे क्योंकि मछलियां जो थी वो उसमें से कम होती जा रही थी. ये आपके तीन क्वेश्चन हो गए हैं. अब हम आपको अपोजिट कराएंगे. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स.
एनिमी का मतलब होता है दुश्मन और उसका अपोजिट आपका क्या है फ्रेंड। दूसरा है फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा और क्या होगा लॉट, लॉट मतलब ज्यादा। तीसरा है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अपोजिट उनका क्या होता है इजी। उसके बाद है चौथा है फुलिश, फुलिश का क्या होगा क्लेवर यानी कि चला, बेवकूफ का उनका क्या होता है चला। उसके बाद आपका पांचवा है कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, उसका अपोजिट क्या है मिडिल, मिडिल का मतलब होता है बीच। छठवा है रिच, रिच मतलब अमीर, पुअर, पुअर मतलब गरीब। सातवा है अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा और उसका अपोजिट है डेथ, डेथ मतलब क्या होता है मरा हुआ, मर जाना। आठवा है क्लीन, क्लीन का मतलब साफ, इसका उल्टा क्या है डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा। इसके बाद है फेल, फेल मतलब फेल हो जाना, किसी चीज में आगे नहीं बढ़ जाना, पीछे रह जाना। और पास, पास मतलब होता है किसी भी चीज में आगे बढ़ जाना। आपका इंग्लिश का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, ये पूरी एक्सरसाइज हमने करा दी है, अब आपके एक कॉपी में ये सारा काम कर लेंगे। अब कल हम आपको इंग्लिश में थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, थर्ड चैप्टर का नाम है प्रेयर ऑफ द फादर। गुड नाइट।